सो मॉर्निंग, इट्स डे 3 एट मित्रा हॉस्टल ओनली। तो कल आपने देखा होगा वीडियो में, धर्मशाला विजिट किया, मैक्लोडगंज मार्केट और एक जो मोनेस्ट्री थी वो सब हमने विजिट किया यहाँ पे। तो तथराना जाने वाले थे एंड वो भी नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज आई जस्ट शो यू द रीज़न। सी दिस ऑल क्लाउडी ब्लैक फॉगी, कुछ विजिबल नहीं होता ऊपर जाके, एंड देयर आर चांसेस कि हैवी रेन्स एंड माइट बी स्नोफॉल एज वेल होने वाला है। सो इसलिए 6 बजे जाने वाले थे, 6:30 कोई नहीं उठा। मतलब देखा एक बार बाहर मौसम, देखा मौसम बहुत मतलब सही नहीं है अभी यहाँ पे तो, एंड माउंटेन्स पे यू नेवर नो, एकदम से बारिश आ जाए तेज और ऊपर हम फंसे रह जाए, तो इसलिए वी प्लान की नहीं आज नहीं जा रहे। तो अभी देखते हैं, अभी सब उठ जाए एक बार तो विल सी कहाँ पे जा सकते हैं। कुछ वाटरफॉल है ऊपर साइड, वन इज भरसू वाटरफॉल, अदर वन इज द बिग वाटरफॉल, मतलब नेम है उसका। तो इन दो प्लेसेस पे विल प्लान कि इन दोनों में से कहीं जा सकते हैं अभी, या फिर और थोड़ा सा ऊपर 300 बेस नियर बाय समवेयर कि शाम तक वापस आ जाए। मीन्स अभी स्टे वाला कोई सीन नहीं होगा ऊपर बिकॉज ऑफ दिस वेदर, एंड आई एम हैप्पी। अच्छा है बारिश आए, थोड़ा स्नोफॉल तो हो, स्टार्ट तो हो यहाँ पे अभी। प्लान आई मीन अभी तक तो यही है प्रेडिक्शन, 27 एंड 28 में हो सकता है, अदरवाइज 1st और 2nd जैन अराउंड। तो मैं तो अभी हूँ यहाँ पे टिल 1st ऑफ जैन, सो देखते आई मीन जल्दी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो अदरवाइज आई नीड टू वेट मोर। सो अभी यहाँ पे जो टेम्परेचर है इट्स 1 ओनली, टेम्परेचर इज 1 डिग्री ओनली, एंड सो यू कैन इमेजिन ठंड बहुत है यहाँ पे, मतलब और हवा भी चल रही है अभी। सो यही था रात में मस्त अपना, फिर उधर से जब हमने बताया उधर से आए घूम के, क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ, दे सेलिब्रेटेड माई बर्थडे एज वेल, इट वॉज काइंड ऑफ सरप्राइज एंड देट वॉज वेरी नाइस। मीन्स टिल नाउ इफ आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट बर्थडेज आई एवर हैड, तो अच्छा था। सारे जितने भी न्यू पीपल थे दे वर गैदर अराउंड, दे इवन कट दी केक, मस्त मज़ा आया। तो यही है, अभी देखते कहाँ जाया जाए। इधर ही अपने मित्रा हॉस्टल के टेरेस पे था मैं अभी, एंड सी इधर एक दो लॉज और है यहाँ पे, होम स्टेज है ये ऊपर, और ये सामने मित्रा हॉस्टल का अपना किचन, इधर ये वाला भैया बना रहे होंगे, बोला है उनको ब्रेकफास्ट बनाने को। मैं कल रात में इन सब इधर ही जा रहे थे, तो हमने जब यहाँ जो भी सेलिब्रेशन और हुआ, सो वी थिंक लाइक सोने से पहले इधर उधर कहीं रात में ऐसे अंधेरे में चला जाए, बोले वो ही है ना एडवेंचर। तो अपन इधर आए, ऊपर जा रहे थे रात में तो कैप्चर नहीं हुआ, तो मैंने सोचा ठीक है इधर जाता हूँ एक बार देखता हूँ। आई मीन आई जस्ट लव टू एक्सप्लोर प्लेसेस, मैंने बताया था, तो मुझे तो मस्त है, अच्छा लगता है मुझे तो, कहीं भी अकेले चलते रहो और मस्त। सो थोड़ा सा जाता हूँ ऊपर, देखते हैं क्या है यहाँ पे, विल एक्सप्लोर। मस्त ट्रेल बना हुआ है, रिलैक्स, नाइस नाइस आर्ट, ओ मैन वाह। ये देखो ये वाली स्टेयर्स, तो मुझे मेघालय का डबल डेकर रूट ब्रिज याद आ रहा है, वहाँ पे मैंने 6,000 स्टेयर्स जाना आना, भाई साहब अलग ही एक्सपीरियंस था। ये सेम मुझे वही फील आ रहा है अभी यहाँ पे, ये देखो ऊपर तक स्टेयर्स ही स्टेयर्स, चलते रहो बस देखते रहो।
सो इट्स डे थ्री, आज जा रहे हैं बच्चूनाथ वाटरफॉल, पहले तो त्रियुंडी या फिर तथराना हो जाने का प्लान था, बट ड्यू टू दिस वेदर, बताया मैंने सुबह सुबह बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, अभी थोड़ा सा धूप आई है बट इसलिए इतनी नहीं है, इवनिंग में मौसम और खराब होने के चांसेस है, इसलिए वी प्लान कि इधर वाटरफॉल है वहाँ जाते हैं, एंड ऑब्वियसली कहीं तो जाना ही था, तो चलते हैं। अभी ये भी ट्रैक है मस्त वाला, ऑसम, सो क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं अभी, अब किधर चल रहे हैं, अब हम जा रहे हैं बागसू ग्लेशियर वाटरफॉल, नाइस, मॉर्निंग में प्लान किया था तथरना, हमारे दोस्त के लिए बहुत बड़ा ग्लेशियर है वो, सो अपने साथ वाले बंदे आते हुए, चलो 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 चलो, जबरदस्ती ले गया और दो वो पीछे आते हुए, तो अभी हम पहुंचे बच्चूनाथ वाटरफॉल, वो ऊपर वहाँ पे जो है क्राउड नहीं जा रहे हैं वहाँ पे जाना है, वो वहाँ से फॉल है, बट अभी वी प्लान के नीचे जाते हैं, नीचे थोड़ा शॉर्टेड सीन है, व्यू अच्छा आ रहा है, ऊपर क्राउड ज़्यादा है, तो वी प्लान के नीचे जहाँ पे पानी का फ्लो है उधर जाते हैं, मस्त, क्या रास्ता है भाई साहब, रास्ता ही नहीं है, मतलब यू कैन सी स्लिप होते ही नीचे, इकोनॉमी अभी अपन जा रहे हैं नीचे, मतलब ऐसे ही वापस आ रहे थे, बारिश आ रही थी वहाँ से वापस आए, और रास्ते में ऊपर मठलोड जाने से पहले एक व्यू पॉइंट आया, एक ट्रेल है नीचे जा रहे हैं वहाँ से ट्रैक करते हुए, टफ है यार ये, स्लिप होते ही नीचे सीधा,
बारिश स्टार्ट हो गई थी, स्नो हुआ, बर्फ पड़ी है ऊपर, ये देखो वहाँ पूरा वाइट वाइट हो गया। शाम को प्रेडिक्शन इधर भी आने वाली है अपर धर्मकोट में, मस्त हो जाने। अभी इधर बारिश है अभी थोड़ी थोड़ी। लंच किया अपने नीचे मटलोड में और वहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट्स थे, वहाँ बैठे थोड़ा टाइम, बहुत मस्त व्यूज थे, साइलेंट पीसफुल काम, मज़ा आ गया। एंड नाउ बैक टू आर हॉस्टल मित्रा, सो वेटिंग फॉर स्नो हियर एज वेल। ऊपर मस्त है, ये देखो ऊपर स्नो, एंड वेटिंग फॉर स्नो हियर एज वेल, जल्दी से पड़नी चाहिए। और ये वापस मित्रा हॉस्टल में आ गए। एंड आज का दिन ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं हुआ बट स्टिल इट वॉज वर्थ इट, मतलब जो भी प्लेसेस थे बहुत बढ़िया थे, awesome।